यहाँ पे बहुत सारे दोस्त मिले हैं आप देखेंगे, और ये सब भी तैयारी करते हैं, कोई यहाँ पे आज ही आया, इनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनसे क्या नाम है भैया? साकेत जैन। आप कहाँ से हैं जैन साहब? मध्य प्रदेश। एमपी से इतनी दूर मुखर्जी नगर आना पड़ा, क्या वजह रही थी? एक्चुअली द एजुकेशन सिस्टम हेयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट्स द डेपनेस द डेप्थ ऑफ द स्टडी इज ग्रेटर हेयर। एक्चुअली द सिस्टम विच वी यूज टू गेट हेयर ना, दिस इज़ वेरी सीरियस एंड द एनवायरमेंट हेयर इज़ वेरी गुड। सो वी हैव चोजन दिल्ली एंड मुखर्जी नगर स्पेशली फॉर माई जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशरी के लिए कौन सा कोचिंग वगैरह आपने ज्वाइन किया? पाहुजा लॉ अकेडमी। एक सवाल मेरा और आपसे है, क्या ये आपका कोचिंग अभी खुला हुआ है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है मुखर्जी नगर में अभी सभी कोचिंग बंद हो चुके हैं, आप कभी नहीं खुलेंगे। दिस माइट बी द परसेप्शन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस बट दिस इज़ नॉट ट्रू। कोचिंग्स वर ओपन एंड द रेगुलर स्टडीज वर गोइंग ऑन। इवन अवर पाहुजा अकेडमी प्रोवाइड्स वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज विच वर प्रोवाइडेड। एक्चुअली ऑनलाइन सर्विसेज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड एंड सेपरेट क्लासेज वर ऑल्सो प्रोवाइडेड इन GTB नगर। सो द क्लासेज आर गोइंग ऑन रेगुलरली, नो इशूज इन दैट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी मोजर। आप कहाँ से हो जी? हम रहने वाले तो बागपत के हैं जी। ये बताइए, आप भी यहाँ पे तैयारी वगैरह करते होंगे, तो क्या कोचिंग अभी सभी खुले हुए हैं? लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब तो बंद है मुखर्जी नगर में कोई कोचिंग वोचिंग? नहीं, बीच में बंद हो गए थे जब आग वाग लगी थी, लेकिन अब सब खुल गए। केडी कैंपस में हम केडी कैंपस चल रहा है, सब चल रहा है। केडी कैंपस वालों ने क्या आपके लिए सुरक्षा के लिए फायर से निपटने के लिए करी थी? जब ज़्यादा दुर्घटना बढ़ गई थी एक दो दिन के लिए बंद रहा कोचिंग, ताकि फिर खुल गया था सब लाइब्रेरी वगैरह सब ओके। आग बुझाने के लिए सिलेंडर वगैरह लगाए गए हैं आपके? जी बिल्कुल, सुरक्षा के लिए पूरी वो करी है उन्होंने कोचिंग वालों ने। आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा तो फ़ोन भी आ गया है, मैंने इनका फ़ोन भी कटवाई दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद माजिद। माजिद साहब आप कब आए थे? मैं तो जी आज ही आया हूँ। पहली बार ही आए हैं? कहाँ से? मैं जहाँ से भाई आए वहीं से आया हूँ। तो कैसा लगा पहला दिन का अनुभव? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया सब। UPSC की तैयारी करने आए जी? मैं बिजनेस मैन आदमी हूँ, मैं नहीं कर रहा पढ़ाई वढ़ाई नहीं। यहाँ पे कुछ बिजनेस करने का इरादा है? नहीं, मेरा बिजनेस हैगा जहाँ पर हम रह रहे हैं वहीं पे। यहाँ पे क्यों नहीं शुरू करना चाहते आप? अभी आया हूँ ना, मैंने अभी जाना ना पहचाना, फर्स्ट टाइम है मुझे ना कुछ एक्सपीरियंस। अब आना जाना लगा रहेगा तब कुछ आइडियाज़ आएंगे, देन मैं कुछ सोचूंगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। आपकी उम्र कितनी है अभी? मैं 20+। तो आप देख सकते हो बहुत सारे लोग तैयारी करते रह जाते हैं और इनकी उम्र के लड़के बिजनेस मैन भी बन जाते हैं। नहीं देखो, इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहूँगा, कुछ योगदान मेरे पिताजी का भी है, लेकिन हाँ ज़रूरी नहीं कि सब कुछ पिताजी का, दिमाग मेरा भी है, पेट के कुछ नहीं है। ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। हमने मुखर्जी नगर में कई दोस्तों से बात की है, पूरी तरीके से यहाँ पे अभी कोचिंग बंद नहीं है। जैसा कि ये कहा गया था कि वही कोचिंग यहाँ पे अब चलेंगे जिनके पास में NOC रहेगा, और फायर सेफ्टी के लिए जिनके पास सारी चीज़ें रहेंगी, यानी कि बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, वही कोचिंग यहाँ पे चलेंगी। तो अभी जैसा कि आज मैंने यहाँ पे आके कई लोगों से बात की, एक रेस्टोरेंट में भी गया था, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे, उनसे भी जानने की कोशिश की है। पास्ता किंग में गया था, उन्होंने भी ये कहा कि अभी तो यहाँ पे कुछ भी बंद नहीं हुआ है, ना लाइब्रेरी, ना PG, ना कोचिंग। तो आप देखेंगे अभी भी चारों तरफ से स्टूडेंट निकल रहे हैं, इधर भी और इधर भी, सामने वाली गली से भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि हम आपको कुछ भी बताना भूल गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मैं तो आज हम एक दुकान पर हैं, इस दुकान का नाम आप देखेंगे तो पास्ता किंग है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप देखेंगे 2 और 3 5 स्टूडेंट यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये कुछ खा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, एक दोस्त है बीच में बैठे हैं, इनसे जानूंगा। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम है दोस्त आपका? ये सर मारे हैं, इनसे पूछ लेता हूँ कि आपका नाम क्या है। ये चार लोकेश। लोकेश जी कहाँ से हैं आप? हरियाणा पलवल। ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे मुखर्जी नगर में कोचिंग अभी बंद है, तो क्या आप भी किसी कोचिंग वगैरह में जाते हैं? कोचिंग चालू पर हम लोग कोचिंग हम तो ऐसे आए। इस ये जो अभी आप खा रहे हैं सैंडविच वगैरह, टेस्ट वगैरह कैसी है इस दुकान पे? ठीक बढ़िया एकदम, भाई की दुकान। ये सब आपके दोस्त थे, आधे उधर भाग क्यों गए? ना डर ना रहे, वैसे ही चले गए, देख रहे हैं फोटो। आओ अंदर चलेंगे, यहाँ पे एक दोस्त हो रहे हैं, इनकी देखो टी शर्ट पर लिखा है भाई इंडियन आर्मी। आर्मी सिंह है? वाह, क्या नाम है दोस्त? नरेश भैया। कहाँ से हो आप? पलवर हरियाणा। ये बताइए, आप भी यहाँ पे किसी कॉम्पिटिशन पार्टी दे रहे हो? अच्छा, सच कह रहे हैं कि आपको? नो सर। ये तो कह रहे हैं कि अभी ये ट्रेन चाहे तो पार्टी हो जाता है बीच कुछ में, मजा आता है। अच्छा ये बताइए, क्या सच में इधर कोचिंग बंद है अभी या खुले हुए? सर चालू है। हाँ जी सर। टेस्ट कैसा है इसका जो आप यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में? बहुत अच्छा बनाया हुआ है भाई ने,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। ये जो आपका पूरा ग्रुप है, चारों पांच दोस्त खड़े थे, बचपन के दोस्त हैं या फिर यहीं पे? बचपन का दोस्त है, स्कूल से ही। पांच दोस्त यहाँ पे आ गए तैयारी करने के लिए। जी सर। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये दुकान है, इसका नाम है पास्ता किंग। ये दोस्त यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ पे ये दोस्त खड़े हैं, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, ये बताइए आप, क्या बात है, मुखर्जी नगर में कुछ ना कुछ नया नया खोलते जा रहे हैं, आपने ये भी खोल दिया है क्या? हाँ, अभी तो प्रोसेस में है, धीरे धीरे और काम बढ़ाएंगे। ये योगेश जी, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि मुखर्जी नगर में अब कोचिंग लगभग बंद हो गए हैं, तो क्या ये बात सच है, कोचिंग लाइब्रेरी बंद हो चुके हैं या खुले हुए हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं पूरी तरीके से खुले हुए हैं। हाँ, अभी लाइब्रेरी कोचिंग वगैरह बंद, बाकी ऑर्डर है हाई कोर्ट का बंद करने का, बाकी अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, ना MCD अभी आई है, ना पुलिस वाले कोई आया, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। इस शॉप को खोले हुए कितना दिन हुए हैं? मैंने अभी 10 दिन हुए हैं, 10 दिन मैक्सिमम हुए इस शॉप को खोले हुए। तो लोग आपकी दुकान पे इतना क्यों पसंद कर रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं अंदर भी बैठे हैं, आपने 10 दिन में ऐसा क्या कर दिया? हमारी दुकान में जो टेस्ट है वो शायद मुखर्जी नगर में कहीं ना हो, आसपास कहीं ना हो, हम ओरिजिनल ब्रांड्स की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो जेन्युइन हो, जो नुकसान ना दे बच्चों को खाने पीने में। दोस्तों आप देखेंगे इनके हाथ में मेन्यू है, एक बार कुछ भाई आप दिखाइए क्या क्या अब बनाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पास्ता किंग और ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं, और ये दोस्त यहाँ पे अभी बना भी रहे हैं आप देखेंगे, और यहाँ पे कुछ लोग अंदर भी बैठे हैं, मैं भी उनसे भी बात करना चाहूँगा, आइए आपको अंदर दिखाते हैं, कुछ दोस्त यहाँ पे अंदर बैठे हैं अभी। भाई मोहित भाटी। मोहित जी, आप कहाँ से? मैं ग्रेटर नोएडा से। ये बताइए ये जिस दुकान पर आप बैठे हैं कैसा बनाते हैं यहाँ पर कुछ भी आइटम? भाई देखो, हर आइटम बेस्ट है भाई का, पर पास्ता एकदम हाई लेवल का है भाई। इनका नाम भी यही है, पास्ता किंग। हाँ भाई, पास्ता किंग है, पर पास्ता किंग ही है भाई। अच्छा। हाँ भाई, एक सवाल और मेरा आपसे है, जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मुखर्जी नगर में कोचिंग लाइब्रेरी सब बंद हो चुके हैं, तो क्या ये बात सच है, पूरी तरीके से बंद है अभी ये खुले हुए? भाई अभी तो देखो ओपन ही है, पर इस बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई। अभी देखो चल रही है, बातें चल रही है मार्केट में, पर ओपन है अभी हर चीज़, कोचिंग भी चल रही है, लाइब्रेरी भी खुल रही है, मैं खुद लाइब्रेरी भी पढ़ता हूँ इसका लाइन में, तो भाई इसका लाइन लाइब्रेरी ओपन है, 24 घंटे ओपन होती है भाई, हम पढ़ते हैं उसमें। थैंक यू। इधर कुछ दोस्त और बैठे हैं, इनसे ही मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मोहित। आप कहाँ से हो मोहित जी? मैं बागपत से। ये बताइए क्या मुखर्जी नगर में सभी कोचिंग बंद है? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बंद हैं या खुले? ये अभी कुछ समय के लिए मतलब जो आग लगी थी उससे बंद कर दी गई थी, मगर अब फिलहाल में खुली हुई है और ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है यहाँ पे, और लाइब्रेरी भी मोस्टली ओपन ही है। पास्ता किंग वाले पास्ता कैसा बनाते हैं यहाँ पे, क्यों आप लोग आते हैं इस दुकान पे? मैं इस दुकान को काफ़ी दिनों से जानता हूँ, मतलब पहले इनकी यमुना विहार में शॉप थी अपनी, तो मैंने वहाँ पे भी पास्ता खाया हुआ था, और अब इनकी शॉप यहाँ पर है तो मैं यहीं पे आता हूँ पास्ता खाने। यमुना विहार से आप हैं? हाँ, से नहीं, मैं तिमारपुर में रहता हूँ, पहले यमुना विहार जाता था क्योंकि भजनपुरा में रहते थे हम पहले, तो यमुना विहार जाता था, अब यहाँ आता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, मैंने कुछ दोस्त बाहर बैठे थे जो खाने आए थे, मैंने उनसे भी बात की है, कुछ भाई यहाँ पे भी बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछ ही लेता हूँ। आपका भाई? मेरा नाम विशाल है। आपका? सोनू। आप कहाँ से हो सोनू जी? गुड़गांव हरियाणा से। और आप? मरेवाड़ी। अच्छा ये बताइए पास्ता किंग में ऐसा क्या है जो इतने सारे लोगों को आना पड़ता है, बाहर भी लोग बैठे हैं अंदर भी बैठे हैं, ऐसा क्या है? भाई पास्ता किंग मतलब नाम ही है, मतलब ये है कि वैरायटी बहुत अच्छी है इसकी, सबसे अच्छा है। मतलब सेम चीज़ है ये, पास्ता बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ के, हमने खाए हैं पहली बार, दो बार आ गए ना, अब तीसरी बार आए हैं, तो रोज़ यहीं आते हैं हम इसी टाइम पे। अच्छा ये और बताइए कोचिंग्स के बारे में, एक बड़ा डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट का, क्या यहाँ पे अभी सारे कोचिंग बंद है? मुझे लगता है सब खुले हुए हैं, कोई भी बंद नहीं हुए? नहीं, कोचिंग सारी खुली हुई है। कौन कह रहा है आपसे बंद? कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया क्या अभी हम आना चाहते हैं गाँव से बंद है? नहीं, खुली हुई है कोचिंग, कोचिंग खुली हुई है, जो आना चाहता आ सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप खाइए, वरना आप कहेंगे कि मुझे बीच में ही रोक दिया। दोस्तों हम पास्ता किंग में आए थे, ये मुखर्जी नगर में ही है, और मुखर्जी नगर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सामने आप देखेंगे स्टूडेंट टी ए जो है ना, जो चाय की दुकान बहुत फेमस है मुखर्जी नगर में, उसके बिल्कुल पीछे की साइड है। मैं बहुत सारे दोस्तों से बात की, एक सवाल आपका जो था कि कोचिंग बंद है या खुले हैं मुखर्जी नगर में, तो भी बहुत सारे कोचिंग खुले हुए हैं, मुझे लगता है शायद कोई सा भी बंद नहीं है, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।